नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के चौथे मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने थी। इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पारी के तीसरे ही ओवर में मयंक अग्रवाल सिर्फ 14 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, मयंक अग्रवाल का विकेट निकाला राजस्थान के लिए डेब्यू करने वाले चेतन सकारिया ने। जी हां, बाएं हाथ का ये तेज गेंदबाज अपने तीसरे ही ओवर में आईपीएल में अपना पहला विकेट लेने में कामयाब रहा। आपको बता दें, इस ओवर की चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल रूम बनाकर मिड ऑन के ऊपर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो गेंद को सही से टाइम नहीं कर सके। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और विकेटकीपर संजू सैमसन ने कोई गलती नहीं की विकेटों के पीछे। मयंक अग्रवाल 9 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने 2 चौके लगाए। आपको बता दें, इस सीजन से पहले ऑक्शन के दौरान राजस्थान रॉयल्स ने चेतन सकारिया को 1.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। आपको बता दें, चेतन सकारिया की बेस प्राइस 20 लाख रुपए थी। आपको बता दें, बाएं हाथ का युवा तेज गेंदबाज घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र के लिए खेलता है। हाल के दिनों में उन्होंने शानदार घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन किया, जिस आधार पर उन्हें आईपीएल में भी जगह मिली। आपको बता दें, बेहद साधारण परिवार से आने वाले चेतन सकारिया के पिता ट्रक ड्राइवर थे। चेतन सकारिया ने जिस अंदाज में अपने आईपीएल डेब्यू में शानदार प्रदर्शन किया है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि राजस्थान रॉयल्स को एक अच्छा तेज गेंदबाज मिल गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।